अरे यार क्या बताएं यार, मतलब समझिए कि वैकेंसी इतनी बड़ी है ना, आप सुनेंगे ना दंग हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कम होने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ज़्यादा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी वेरी लेस, मतलब यहाँ पर लैक हो जाएगी, कमी हो जाएगी उनकी। इस लेवल की वैकेंसी भाई रिलीज हुई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। मतलब यार क्या बताएं यार, मतलब ये कौन सी वैकेंसी निकाल रहे हैं लोग, हमको समझ नहीं आ रहा। एक पद, दो पद, पांच पद, हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पद, इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अब वैकेंसी कहीं कहीं से ला रहे हैं। हमको लग रहा है कि जब जब इनको पैसे की जरूरत पड़ रही है, चलो वैकेंसी चार्टो निकाल लो, फॉर्म आएगा ही, अप्लाई होगा ही, पैसा मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। मतलब यार हद है एकदम, फिर भी क्या करें, अब बताना तो पड़ेगा ही। चलिए अपडेट देख लेते हैं क्या है। तो हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मतलब इम्पोर्टेंट तो बात है ही, लेकिन क्या करें, दुख के साथ थोड़ा सुनाना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा कि जो वैकेंसी है MNAIT की तरफ से आ रही है और NIT की तरफ से आ रही है, मतलब कि मौलाना नेशनल आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, और जो मौलाना नेशनल आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ है, भोपाल में है। तो यहाँ से वैकेंसी आ रही है किसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए। तो चलिए वन बाई वन करके देखते हैं कि कहाँ से कितनी कौन सी वैकेंसी किस पद के लिए है। फर्स्ट हम बात करेंगे मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से, तो यहाँ से टोटल पांच वैकेंसी हैं। व्हाट, मतलब बताने में भी शर्म आ रही है। मतलब टोटल पांच वैकेंसी है स्टूडेंट्स यहाँ से जूनियर इंजीनियर के लिए, उसमें भी अभी भी वेट वेट अभी रुकिए, उसमें भी आपका दो ब्रांच के लिए, मतलब सिविल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। सिविल के लिए आपका तीन है और इलेक्ट्रिकल के लिए दो पद है, मतलब कि समझ लीजिए व्हाट ए नंबर, मतलब नंबर गजब है यहाँ पर। मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं तो नंबर यहीं आ रही है। मानते हैं कि ये जो फील्ड है थोड़ा छोटा, यहाँ से वैकेंसी कम आती है, लेकिन फिर भी यार मतलब कम से कम एक साथ सभी लोग निकालो, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। जितने भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है सभी जगह से मतलब एक बार में वैकेंसी निकालो ना, ताकि लगे कि नहीं है वैकेंसी हर जगह से आई है और ज़्यादा वैकेंसी आई है। मतलब हद है यार, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है चलिए, अब जो भी है अब अपडेट तो देखना ही होगा, साथ में वैकेंसी को फिलअप तो करना ही होगा। तो ठीक है चलिए, इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यहाँ से आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है। यहाँ पर सिविल के लिए अगर बात करें तो टोटल पाँच वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल के लिए दो वैकेंसी है। तो सिविल में भी अब UR कैटेगरी के लिए आपका तीन वैकेंसी है और OBC के लिए दो वैकेंसी है। अदर कैटेगरी तो भूल ही जाइए, यहाँ पर कहाँ से आ पाएगी इतना ही में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पर UR के लिए दो सीटें हैं और OBC के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सीटें हैं, जीरो। SC ST के लिए बहुत नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, जीरो। तो मतलब आप समझ सकते हैं यार, गजब की वैकेंसी आ रही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो डेट अगर बात कर लें तो देखिए लास्ट डेट आपका 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल से पहले ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, और आपको बता दें कि यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना होगा इस एड्रेस पे, जो कि आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप www.manit.ac.in पर जाइए और वहाँ पर जा करके पूरा डिटेल आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है आगे चलते हैं और देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, यहाँ पे दो एग्जाम्स हो गए, एक ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको छाटने के लिए है, ज्यादा यहाँ पे धक्का मुक्की ना हो जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट हट जाएं, वही स्टूडेंट्स आगे आए जो कि इस लेवल में है। उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट में आपका मेरिट बनेगा, मतलब रिटर्न टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप सिलेक्ट होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, कल लोचा नहीं है यहाँ पे, सब कुछ खत्म है। आगे बढ़ते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो जो सैलरी है आपकी देखिए ग्रेड पे 4200 है, मतलब सैलरी ठीक ठाक है। ग्रेड पे 4200 है तो मतलब सैलरी आपकी 40,000 के आसपास मिलेगी, और बेसिक पे की बात करें तो 9300 से लेकर के 34,800 रुपया तक है। तो इसमें सब और सब एड ओड होकर के अपना मिलता है 40,000 के आसपास। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म फीस, ये तो समझ रही है फॉर्म फी के लिए ही तो हमको लगता है वैकेंसी निकाली जाती है, सही पकड़े हैं। तो फॉर्म फी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपया है फॉर्म फी, किसके लिए, जनरल के लिए, ऑब्वियसली जनरल के लिए वैकेंसी है, जनरल के लिए। SC ST के लिए यहाँ पर बिल्कुल जीरो फी है और वैकेंसी भी जीरो है, ठीक है ना।
तो दोनों चीजें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में देखिए बीई बीटेक डिप्लोमा अगर है आप रिलेटिव ट्रेड से तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं, तो मतलब कि बहुत बड़ा एहसान नहीं है कि एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। यही सब है इसके बारे में ऑल अबाउट। आप इसके बारे में और डिटेल में जाकर उसके साइट पर जो कि हमने बताया है यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा है, इसको जाकर के यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर में सर्च करके देख लीजिएगा पूरा डिटेल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एनआईटी की तरफ से। भाई ये इतनी बड़ी वैकेंसी से खाली हो गए हमने। नेक्स्ट आगे चलते हैं एनआईटी की तरफ से। तो एनआईटी की वैकेंसी में देखते हैं हम लोग, तो देखिए जो पटना में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर टोटल 19 सीट है। अब यहाँ पे दो पद के लिए वैकेंसी है, एक है टेक्निकल असिस्टेंट और एक है टेक्निकल असिस्टेंट अकाउंट्स, मतलब कि जो अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए है और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। तो टेक्निकल असिस्टेंट में आपको रिक्वायरमेंट होगा बीई बीटेक या डिप्लोमा, और टेक्निकल असिस्टेंट अकाउंट्स वाली जो पद है उसके लिए 10+2 आप रहेंगे तो एलिजिबल है। साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, 35 WPM स्पीड होनी चाहिए। अच्छा, ये जो ओपन हो रहा है 24 मार्च को, लास्ट होगा 23 अप्रैल को, तो आप समझ लीजिए कि आपको इसी के बीच में फिलअप करना। अच्छा, यहाँ भी याद रखिएगा कि आपको इस एड्रेस पे हार्ड कॉपी जितने भी फॉर्म फिलअप करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सभी को हार्ड कॉपी अपना एक लिफाफे में डाल करके स्पीड पोस्ट कर देना होगा इस एड्रेस पे, मतलब यहाँ भेजना है, चाहे जैसे भी आप भेजिए आपकी जिम्मेदारी, हाथों हाथ जाके पहुँचा दीजिए या फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक और डिप्लोमा तो रहेगा ही, किसके लिए? टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। जो टेक्निकल अकाउंट्स हैं उनके लिए तो बता ही दिए कि 10+2+ आपकी WPM होनी चाहिए, मतलब 35 WPM स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग फी की। देखिए फी यहाँ पे जो है 400 रुपया है जनरल के लिए, 200 रुपया है OBC के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब 19 पद हैं टोटल टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और टेक्निकल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, तो यहाँ पे 19-19 पद है, मतलब बराबर रखे हैं। यहाँ पे कोई भी मतलब इनके अंदर से ये नहीं कि भाई कम बेसी हम करेंगे लड़ाई होगी, तो वो बराबर मतलब रखे हैं। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए भी सीटें हैं, उसको आप डिटेल में यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसके भी साइट पर जाइए www.nit.in पर, और वहाँ पर देखिए साइट यहाँ देखिए स्क्रीन पर आ रही है, तो यहाँ से आप जा करके मतलब आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा A to Z जानकारी वहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद देखिए सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पहले धक्का मुक्की नहीं, यहाँ पर सभी लोग बाहर भागो। उसके बाद जो बचेंगे वही लोग जाएंगे मेन टेस्ट के लिए, मतलब मेन जो रिटेन होगा। उसके बाद फिर आगे इसमें लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NIT की वो क्या करती है, लेकिन बाद में रिटर्न टेस्ट हो। अब उसके बाद देखिए बात करते हैं सैलरी की। भाई देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सैलरी नहीं रहेगी तो फिर जॉब क्यों करेंगे हम। तो सैलरी जो आपकी है, अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो वहाँ पर भी वही सैलरी मिलेगी 4200 ग्रेड पे वाला, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अगर अकाउंट्स की तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है आपका ग्रेड पे जो है कि 2000 रुपया हो जाएगा। साथ में आपका पे बैंड जो है कि 5200 से लेकर 20200 रुपया हो जाएगा, ग्रुप सी में आप रहेंगे। तो इस तरह से सारा डिटेल था, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और काफी क्लिक कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही मतलब कि नॉलेज विथ फन के साथ आप अपडेट देने देखने के लिए इस वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए भाई प्लीज यार, शेयर करो यार, क्या हो गया है, मतलब हमसे कोई दुश्मनी है? शेयर कर दीजिए यार, हम भी आपके भाई हैं यार, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाइए, प्लीज इसको शेयर करिएगा, ठीक। आई होप कि आप इसको जरूर शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को ये करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।